वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके चैप्टर नंबर 6 और यह है लेक्चर नंबर 2। चैप्टर 6 है वर्क एनर्जी एंड पावर। 11th क्लास की एनसीईआरटी आप ओपन कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। बच्चों, इसका डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिशन्स। सो लेट्स स्टार्ट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें है पेज नंबर 116, आर्टिकल 6.2, नोशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। पहले हम वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझेंगे, देन हम इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे। सो द फॉलोइंग रिलेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन स्मॉल ए हैज़ बिन एनकाउंटर्ड इन चैप्टर 3। ये हम डिराइव कर चुके, आप पहचान रहे होंगे इसको। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है, वेयर यू एंड वी आर द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड्स एंड s द डिस्टेंस ट्रेवल। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, अगर हम मास से m/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी को यहाँ लाना चाह रहे हैं और हम जानते हैं हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल टू ma s, जो किसके बराबर होगा, ma होता है फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वेयर द लास्ट स्टेप फॉलोज फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, वी कैन जनरलाइज इक्वेशन 6.1 टू 3 डायमेंशंस बाय एम्प्लॉइंग वैक्टर्स। वैक्टर्स अगर हमने लगा दिए, जो डार्क लेटर्स हैं वो बोल्ड लेटर्स जो हैं वो वैक्टर्स हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ad, डी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। वंस अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m/2, वी ऑब्टेन हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल टू ma × d, दैट इज f × d। द अबो इक्वेशन प्रोवाइड्स ए मोटिवेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द डिफरेंस इन द क्वांटिटी, हाफ द मास टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ द स्पीड फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू टू इट्स फाइनल वैल्यू। तो अभी उसको हमने काइनेटिक एनर्जी नाम देने के बजाय ये बोल दिया ऐसे, वी कॉल ईच ऑफ दीज क्वांटिटीज द काइनेटिक एनर्जी, डिनोटेड बाय कैपिटल के से उसको दिखा सकते हैं, और फाइनल को के सबस्क्रिप्ट एफ से और इनिशियल को के सबस्क्रिप्ट आई से हम दिखा सकते हैं। द राइट साइड इज ए प्रोडक्ट, इधर की बात करें प्रोडक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड वर्क एंड इज डिनोटेड बाय w। सो एक्सप्रेशन हो गया हमारे सामने kf माइनस ki इक्वल टू w। सो दिस इज द रिलेटेड एक्सप्रेशन वेयर KI एंड KF आर रिस्पेक्टिवली द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क रेफर्स टू द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। तो ऑलरेडी बोल्ड लेटर्स में है। इक्वेशन 6.2 इज ऑल्सो स्पेशल केस ऑफ द वर्क एनर्जी थियोरम। तो अगर हम इसकी बात करें तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक फॉर्मेट है। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। और इससे हम बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं आगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। वी शैल जनरलाइज द अबो डेरिवेशन टू ए वेरिंग फोर्स इन ए लेटर सेक्शन। हमने अभी जो देखा यहाँ पर अजम्पशन ये है कि फोर्स कांस्टेंट है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, पर अगर ये फोर्स कांस्टेंट ना होकर वेरिएबल भी हो तो भी एक्सप्रेशन यही रहने वाला है। तो ये हम इसके आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी एग्जांपल 6.2। इट इज वेल नोन दैट ए रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। वही है जो पानी के बूंद को नीचे खींच रहा है, एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स विस्कस ड्रैग उस पर काम कर रहा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। तो आपको पता भी होगा कि अगर हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है
तब तो मैटर करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उतना तेज गिरेगा। पर अगर हाइट बहुत ज्यादा है, किलोमीटर्स में है, जैसे बारिश की बूंद की हम बात कर रहे हैं जो आसमान से नीचे गिर रही है, तो बादल 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो या 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो, अगर बूंद का आकार मीन्स रेडियस ऑफ द ड्रॉप अगर सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेन कर लेती है, या आगे हम सीखेंगे विस्कस ड्रैग जब पढ़ेंगे, और फाइनली जब वो जमीन पर गिर रही है तो सेम वेलोसिटी से गिरती है, चाहे वो 7 किलोमीटर ऊंचाई से आ रही हो, चाहे वो 4 किलोमीटर ऊंचाई से आ रही हो। तो ये समझने की बात है, ये दोनों फोर्स मिलकर गवर्न कर रहे हैं, अपोजिंग रजिस्टिव फोर्स। द लेटर इज, यानी जो रजिस्टिव फोर्स है उसकी बात कर रहे हैं, नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप। जितनी ज्यादा तेज गिरने की कोशिश करेगी ये उतना ही ज्यादा लगेगा, बट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसिडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, इससे टकरा रही। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, कितना वर्क करेगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय अननोन रेजिस्टिव फोर्स, उसने कितना वर्क किया, यानी दोनों का इंडिविजुअल वर्क आपको निकालना है। तो हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रॉप कितना हुआ, शुरू में जब वो गिरना शुरू हुई थी तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² में वी को हमने 50 लिख दिया जो डेटा हमको दिया हुआ है, और यहां से आता है 1.25 जूल, वेयर वी हैव अज्यूम दैट ड्रॉप इज इनिशियली एट रेस्ट, ये माना है हमने, अज्यूमिंग दैट जी इज ए कॉन्स्टेंट विद ए वैल्यू 10 m/s², ये भी अजम्पशन है। वैसे तो क्या होता है जी हाइट के साथ, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, अजम्पशन है, मान लो इतनी हाइट के लिए जी में चेंज नेग्लिजिबल है। द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, वो अगर हम निकालें तो वो mgh है, तो mg इंटू हाइट 1 किलोमीटर है, तो 10 जूल वर्क आ रहा है, 10 जूल फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये ज़्यादा वर्क आ रहा है जबकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कंपैरेटिवली कम है, तो बाकी कहाँ गया। फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ से, डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, जो कि विस्कस ड्रैग है ऑब्वियसली, वेयर डब्ल्यू आर इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप। दस डब्ल्यू आर हो गया डेल्टा के माइनस डब्ल्यू जी, यानी 1.25 - 10 -8.75 जूल। यहाँ से हमें समझ में आता है वर्क डन का साइन पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, नेगेटिव हो सकता है, और वर्क डन जीरो भी हो सकता है, वो हम आगे सीखेंगे वर्क डन जीरो कैसे होगा। सो 8.75 जूल माइनस में ये वर्क किया रेजिस्टिव फोर्स ने, बिकॉज ड्रॉप जब गिर रही थी नीचे ये फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट, अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स बोथ आर द वैक्टर्स एंड दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और उसी की वजह से ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमने सीखा नोशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट को समझा। नेक्स्ट आर्टिकल 6.3 वर्क को समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर्स में पढ़ना अच्छा रहेगा।